हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सानू सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल द रीडर में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्च के करेंट अफेयर्स के बारे में और साथ ही साथ 2 मार्च के इतिहास के बारे में भी। और मैं जो है करेंट अफेयर्स के साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है उससे रिलेटेड मैं आपको अलग दूसरे फैक्ट्स भी बताते रहूँगा। और अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो मिलते रहें। उसके साथ साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। मुहिद्दीन यासीन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ए थाईलैंड, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया और डी जकार्ता। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मलेशिया। जो पहले मलेशिया के जो पहले इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था महातिर मोहम्मद, उनका नाम था महातिर मोहम्मद। तो उन्होंने जो है 26 फरवरी को अपने पोस्ट से पद से इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद जो है मुहिद्दीन यासीन को जो है 1 मार्च को मलेशिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है। मलेशिया क्या है? तो मलेशिया एक दक्षिण एशियाई देश है जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर और जिसकी करेंसी है मलेशियाई रिंगित। लग्जमबर्ग एक कंट्री है, ये कंट्री का नाम है, देश का नाम है। इसने सार्वजनिक परिवहन को मुफ्त करने का निर्णय लिया है। तो ये ऐसा करने वाला पहला देश है। तो यह देश किस महादेश का हिस्सा है? ए अफ्रीका, सी ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप और डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ये जो है यूरोप का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है, 7th बिगेस्ट कंट्री है लग्जमबर्ग। और यहाँ पे जो है ये क्यों किया गया है? तो एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे बस 19% लोग ही यहाँ पे सार्वजनिक परिवहन का यूज करते थे और लगभग 60% लोगों के पास यहाँ पे कारें थी, तो जिसके कारण यहाँ पे प्रदूषण बढ़ रहा था। तो प्रदूषण को कम करने के लिए और लोगों के बीच सार्वजनिक परिवहन के यूज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की सरकार ने क्या किया है, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है मतलब गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है उसको इन्होंने फ्री कर दिया है कि आप फ्री में कहीं भी जा सकते हैं। तो ये कहाँ है? यूरोप का हिस्सा है। मिर्च महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी दिल्ली और डी मध्य प्रदेश। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को, राजधानी भोपाल है, सीएम का नाम कमलनाथ, ये कांग्रेस से है जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं INC, और राज्यपाल का नाम लालजी टंडन है। देश की पहली विधिक हेल्पलाइन किस राज्य ने शुरू किया है? ए बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी दिल्ली और सी दिल्ली और डी गोवा। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ ने जो है देश की पहली विधिक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। एक्चुअली इसमें क्या होगा कि आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी कानूनी सहायता चाहिए तो सरकार इसके लिए जो है आपको फ्री में जो है हेल्पलाइन प्रोवाइड कर रही है, जिस पर जाकर आप कोई कानूनी सहायता के लिए सलाह ले सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है कौन है? भूपेश बघेल जो है। तो इन्होंने जो है 1 मार्च को इस सेवा की शुरुआत की है और ये अपने आप में देश का पहला विधिक हेल्पलाइन है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 फरवरी, बी 29 फरवरी, सी 1 मार्च और डी 2 मार्च। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 मार्च को जो है शून्य भेदभाव दिवस मतलब जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। एक्चुअली क्या कि आपने देखा कि हमारे समाज में बहुत सारे लोगों के साथ भेदभाव होता है और लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव भी करते हैं, तो उसको जो हटाने के लिए ये एक दिन रखा गया है 1 मार्च, जिस दिन जो है हम शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। ये इसका लोगो है जीरो डिस्क्रिप्शन डे का, ये इसका लोगो है जिसमें देख रहे हैं कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मतलब समाज में इक्वालिटी लाने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ध्वनिश में भारत के किस शहर में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन हुआ है? ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी मुंबई और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक एक शहर है और राजधानी भी है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में जो है सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन हुआ है 2019 में और सबसे ज़्यादा जो यूज हुआ है वो किसका यूज हुआ है? यू पी आई जो गवर्नमेंट का UPI है उसका यूज करके लोगों ने सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन का यूज किया है मुंबई में। चेन्नई दूसरे नंबर पर है और मुंबई तीसरे नंबर पर है। सुमंत कटफालिया को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? ए बैंक ऑफ इंडिया, बी
धनलक्ष्मी बैंक, सी इंडियन नेशनल बैंक और डी SBI। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। सुमंत कठफालिया को जो है इंडियन नेशनल बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया के जो MD और CEO नियुक्त किया गया है किसको? अतानु, एक मिनट, इंडस्ट्रियल बैंक का आंसर हो, बैंक ऑफ इंडिया कौन है? अतानु कुमार दास, अतानु कुमार दास जो है बैंक ऑफ इंडिया के CEO और MD नियुक्त किए गए हैं। और जो धनलक्ष्मी बैंक है उसके हैं सुनील गुरुबख्शानी, सुनील गुरुबख्शानी को जो है धनलक्ष्मी बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। आपके लिए तीन हो गए, नेशनल बैंक का, बैंक ऑफ इंडिया और धनलक्ष्मी बैंक, ये तीनों नए नए हैं तो ये आपको याद रखना, इसको जरूरी है। किस कंपनी का CEO मैट लेवर्टिच ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ए होंडा, बी हीरो, सी हार्ले डेविडसन और डी सुजुकी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इन्होंने हार्ले डेविडसन के MD और CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। हार्ले डेविडसन क्या है? एक बाइक कंपनी है, इसके जो है बाइक का है प्रीमियम बाइक्स होते हैं जो बहुत ही महंगे होते हैं, और ये एक विदेशी कंपनी है, इंडिया के तो नहीं है। भारतीय रेल ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पे एक रेल रेस्तरा की शुरुआत किया है। अभी तक ये मतलब अपने आप में पहला रेलवे रेस्टोरेंट है जो आसनसोल रेलवे स्टेशन पे शुरुआत किया गया है। उसके बाद एयर इंडिया के जो बोइंग 737 कार्गो विमान है उसमें जो है राजस्थान में एक मतलब राजस्थान में जगह फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान में इसको रखा जाएगा, इस कार्गो विमान को, और इसके अंदर रेस्टोरेंट खोला जाएगा, और इसके अंदर जो है लोगों को जो है जहाज़ के बारे में, जैसे उसका कॉकपिट क्या होता है, कैसे जो है जहाज़ ऑपरेट होता है, बाकी सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया भी जाएगा, और इस जहाज़ के अंदर ही एक रेस्टोरेंट खोला जाएगा। बढ़ते हैं आज के हिस्ट्री की तरफ। तो 2 मार्च को क्या हुआ था कि अमेरिकी कांग्रेस ने 1807 में गुलामों के आयात पर रोक लगा दी थी, और ये जो है दास प्रथा को खत्म करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता था, माना जाता था नहीं मतलब माना जाता है अभी भी, क्योंकि तो जो पहले थे लोग एक दूसरे जो शक्तिशाली लोग होते थे वो कमज़ोर को किसी भी तरीके से बंधक, उनके कोई कहीं जा रहा है तो उसको डाका बंदी बना लिया, किसी को पकड़ के बंदी बना लिया, या किसी के यहाँ आपका कर्जा है तो उसको बंदी बना के दास बना लिया। तो अमेरिका ने क्या किया था, 1807 में एक कानून लाया और अपने देश में गुलामों की आयात पर रोक लगा दिया था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्क्सवाद की जो पहली बैठक हुई थी वो 1919 में होती, 1919 में ही जालियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने जो करवाया था इंडिया में। उसके बाद दक्षिण अफ्रीकी जो महाद्वीप का एक देश है रोडेशिया, जिसको अब जिम्बाब्वे कहा जाता है, तो जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? रोडेशिया। तो रोडेशिया जो है 1970 में आज ही के दिन जो है एक स्वतंत्र गणराज्य बना था। तो दोस्तों हमारा वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होता है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे के वीडियो मिलते रहें, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।